और दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से वेलकम करता हूं भी आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में फैक्ट सिटी में। और दोस्तों, आज बात करेंगे भी जो हमारी क्लासेस छूटी हुई हैं, किसकी? पाइप एंड टैंक की क्लासेस, पाइप एंड टैंक चैप्टर की क्लासेस। तो हमारी जो भी क्लासेस हैं, मैं आपको बता दूं भाई, आज क्वेश्चन वो होंगे पाइप और टंकी में, भाग 7 होगा, यानी 7वीं वीडियो होगी ये। और इसमें कौन सी टाइप करेंगे, हम करेंगे टंकी के भाग पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है? टंकी के भाग पर आधारित क्वेश्चन। अच्छा, वो मैं समझाऊंगा। पहली बात तो ये, इस वीडियो को आप कब देखोगे? इस वीडियो का तब देखोगे तब तक जब तक कि हमारी पिछली ये 6 की 6 वीडियो देख लोगे, ठीक है? तब तक ये 6 की 6 वीडियो देख लो, उसके बाद 7वीं वीडियो है। क्लियर अभी? अच्छा जी। तो भाई, आज जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे टंकी के भाग पर आधारित। अब दोस्तों, गौर देना भी इस पर, देखो भाग का मतलब क्या है। भाग का मतलब ये टंकी कितनी भरी हुई है, ठीक है? पानी कितना भरा हुआ है टंकी में, थोड़ा गौर देना। देखो, सपोज करो यहाँ एक टंकी आपको दिख रही है, आप मुझे ये बताइए कि इसमें कितना पानी भरा हुआ है। आप बोलो भैया लगभग इसमें आधा पानी भरा हुआ है, आधा। तो इसको कैसे लिखोगे आप? इसको ऐसे लिखोगे क्या, 1/2, कि भैया टंकी का 1/2 भाग भरा हुआ है। टंकी का 1/2 भाग भरा हुआ है, मतलब यदि टंकी के 2 भाग है तो एक भरा हुआ है। यह कितना भर रहा है? आप बोलोगे भैया ये लगभग आधे से आधा, तो मतलब टंकी का 1/4 भरा हुआ है। टंकी का 1/4 भाग भरा हुआ है। इसको आप बोलोगे भाई 3/4, क्योंकि 75% है, और ये आपका लगभग लगभग पूरी है, ठीक है? या आप बोल सकते हैं इसको 9/10, कितना भाग भरा हुआ है। मतलब है कि फ्रैक्शन पर आधारित क्वेश्चन। बताऊं कैसे बनेंगे? ऐसे, पाइप ए टंकी को 10 मिनट भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को 10 मिनट तक चलाया जाए या 5 मिनट तक चलाया जाए तो टंकी कितनी भरेगी, यानी टंकी का कितना भाग भर जाएगा, कितना भाग खाली होगा, ठीक? अच्छा जी, फ्रैक्शन में दिखाएंगे हम इनको। अब मुझे एक बात बताइए आप, छोटी सी बात। देखो, सपोज करो 3/5 टंकी भरी है, 3/5 भरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भैया 5 में से 3 टंकी भरी हुई है, 5 में से 3। यदि टंकी पूरी 5 लीटर की है तो उसका 3 भरा हुआ है। यदि टंकी पूरी 5 लीटर की है तो उसका 3 भाग भरा हुआ है, ठीक है दोस्तों? तो ये रहे भी जो बेसिक था वो आपने देखा, कि भैया देखना क्या है कि टंकी के भाग पर आधारित। अभी क्या है कि अब टंकी भरेगी, खाली होगी, लेकिन पूरी नहीं भरेगी, टंकी कुछ खाली होगी। क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, आप धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो इस क्वेश्चन को, लगाने की कोशिश करो, लगा सकते हो, ठीक है? फिर मैं कराता हूँ भाई। अब बस गौर देखना भाई, पहले क्वेश्चन को चाहे मैं ही करा देता हूं आपके सामने, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक टंकी एक नल के द्वारा 12 घंटे में भरी जा सकती है एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में भरी जा सकती है। गौर देना भाई, ए भर सकता है 12 घंटे में और बी भर सकता है इसको 8 घंटे में, ठीक है? टंकी कितने लीटर की मानो? आप बोलोगे भैया इसको 24 लीटर की मान लो, तो 12 × 24 और 8 दिया 24, सही है? अब इसने क्या बोला, 2.5 घंटे तक दोनों पाइप खुले रहे, 2.5 घंटे तक दोनों पाइप खुले रहे। तो एक बात मुझे छोटी सी आप बताइए, देखो 3 × 2 = 5 लीटर पानी देते हैं ये 1 घंटे में दोनों पाइप, तो यार 2.5 घंटे में कितना देंगे? आप बोलो भैया 5 लीटर पानी 1 घंटे में, 10 लीटर पानी 2 घंटे में, और 12.5 लीटर पानी कितने घंटे में? आप बोलोगे भैया 12.5 लीटर पानी 5 घंटे में। अब 5 घंटे में जब इस 24 लीटर के टैंक में 5 घंटे ये चली तो कितना भर गया? 12.5। कितने में से? 24 में से इतना भर गया। इसको फ्रैक्शन में बताना है बस आपको, ठीक है? कैसे? कि भैया 12.5 भर गई 24 में से, ठीक है? इतना भाग भरा हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं भी, और इसको सॉल्व करें तो यहाँ लगाने के 10, ठीक है? अब इसको कैसे करेंगे देखो भाई, 5 × 10 और 25 × 5 = 125, मतलब
25/48 आ गया। बताइए टंकी का कितना भाग भर गया, 25/48 भाग टंकी का भर गया। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर होगा। अभी आज सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को लगाइए आप। क्वेश्चन नंबर 2, पानी की टंकी में 2/5 पानी भरा हुआ है। 2/5, 2/5 का मतलब है 2/5, मतलब टंकी 2/5 भरी हुई है। ठीक है जी, आगे क्या बोल रहा है अभी। ए नल उस टंकी को 10 में भर सकता है जबकि बी नल 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में पूरी तरह खाली होगी या भरेगी, ये चेक करना है। ठीक है जी, देखो भाई इसमें बोला कि फिलिंग वाला भर सकता है 10 मिनट में। ठीक है भाई, जो आउटलेट है या एम्प्टी वाला जो इसको खाली कर सकता है वो कर सकता है डियर 6 मिनट में। इसको मैं नेगेटिव मान के चलूंगा। अभी आपको पता है टंकी कितने की मानो, आप लोग 30 का मान लीजिए भैया, 30 की टंकी देखना गौर से, 10 या 30, 6 × 5 = 30, वो भी माइनस का। ठीक है, अब मुझे एक बात है, टंकी ओवरऑल 30 लीटर की है, ये कितनी भरी हुई है। उसने बोला कि 2/5 पहले से भरी हुई है, 2/5 पहले से भरी हुई है, मतलब 30 लीटर का जब आप 2/5 निकालोगे ना तो 5 × 30 6 × 12 आ जाएगा, मतलब 12 तो पहले से भरी हुई है। और अब दोनों पाइपों को खोल दो, देखो अब क्या होगा, 3 लीटर पानी भरेगा, 5 लीटर खाली होगा, तो मतलब क्या है कि 2 लीटर ओवरऑल खाली होगा भाई। 3 पानी गया, 5 निकल गया, ठीक है, तो मतलब 2 और एक्स्ट्रा निकल गया। और इस 12 में से 2-2 करके कितना टाइम लगेगा निकलने में, आप बोलोगे भैया 12 लीटर पानी 2 के हिसाब से 6 घंटे में खाली हो जाएगा, 6 मिनट में खाली हो जाएगा, आंसर बन गया भी। क्लियर दोस्तों, चलो क्वेश्चन चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है जब टंकी आधी भरी हो, तो इस प्रकार के 3 नल खोल दिए जाते हैं, टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नल टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है, 6 घंटे में भर सकता है जब टंकी आधी भर गई हो। तो एक बात मुझे बताइए, जब एक नल टंकी को 6 घंटे में भर सकता है तो आधी टंकी कै घंटे में भरी, 3 घंटे में भरी ना भरी। आप बोलोगे भैया देखो 6 घंटे में भर रहा है तो 6 लीटर पानी मान लो, और 3 घंटे में 3 लीटर पानी आ गया तो टंकी बची कितनी भैया, 3 लीटर बची, मतलब आधी बची। एक पाइप 1 लीटर पानी दे रहा है, इसने बोला कि जब टंकी आधी भर गई, जब 3 घंटे हो गए तो ऐसे ऐसे 3 पाइप और आ गए, मतलब ऐसे ऐसे 4 पाइप हो गए, जहां 1 लीटर पानी जा रहा था वहां जाएगा टंकी में 4 लीटर, और हमारे पास पानी कितना भरवाना है, 3 लीटर। तो भाई 3 लीटर पानी को जिससे भरवाना उससे भाग लगा दिए भैया, 4 पाइपों से भरवाना है, एक पाइप ये, एक पाइप ये, एक पाइप ये, एक पाइप ये, और सब एक एक लीटर पानी देंगे तो 4 लीटर पानी आ जाएगा, तो इतना टाइम और लगेगा यार। 3/4 घंटे को ना मैं मिनट में चेंज कर सकता हूँ, 3/4 घंटे का मतलब होता है डियर 15 × 45 मिनट, तो मतलब 3 घंटे 45 मिनट में वह टंकी भर जाएगी, 3 घंटे 45 मिनट में वह टंकी पूरी भर जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अभी 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप। आज गले में थोड़ी खराश है। यदि किसी टैंकर के 1/3 भाग भरे होने में उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधे भरे होने पर कितना पानी आएगा, देखना जरा गौर से। किसी टंकी का 1/3 भाग भरा हुआ है, मतलब जब 3 में से 1 भर रहा है तो कितना, 80 लीटर पानी, जब 3 में से 2 भर रहे हैं तो 160, और जब 3 में से 3 भर रहे हैं तो 240, तो मतलब 240 का टैंक है। इसने बोला टंकी आधी टंकी में कितना पानी आएगा, जब 240 पूरी टंकी में तो आधी टंकी में कितना भैया, 120 लीटर, 120 लीटर। आ रही होगी बात समझ में डियर, ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी।
क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर पांच को देखिए, पानी हाँ जी, क्वेश्चन नंबर पांच कर लिया होगा अभी। क्वेश्चन नंबर पांच दिखाओ, एक टंकी दो पाइप है, ए 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी 3 बजे पहले से भरा हो तो दोनों का हिसाब हो, टंकी दोनों खाली होगी। ठीक है, देखो जरा गौर से भी, 8 घंटे में भर सकता है, फिलिंग 8 घंटे में भर सकता है, खाली करने वाला 5 घंटे में खाली। कितना मानो टंकी को? आप बोलोगे भैया 40 मान लो, 8 × 40 5 घंटे प्रति, 5 लीटर प्रति घंटे भरेगा, 5 × 8 40 8 लीटर प्रति घंटे खाली होगा। ठीक है, और रिजल्ट जब दोनों पाइप चलेंगे तो होगा क्या भैया? 3 लीटर खाली होगा। अच्छा, इसने बोला कि 3/4 भाग पहले से ही भरी हुई है, 3/4 भाग पहले ही भर रही है, तो 40 का यार 3/4 कितना होगा? आप बोलोगे 4 × 40 30 लीटर होगा, 30 लीटर होगा ना। इस 30 लीटर पानी में दोनों पाइप चलेंगे तो होगा क्या यार? 3 लीटर खाली होगा 1 घंटे में, 3 लीटर पानी 1 घंटे में, 30 लीटर पानी 3 × 30 10 घंटे में, 10 घंटे में खाली हो जाएगा। सही है, आ रही होगी बात समझ में? 10 घंटे में यह है खाली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, उम्मीद कर दूं लगाया होगा। एक नल 16 में भर सके, दूसरा में खाली कर सकता है, ये टंकी पहले से ही आधी भरी हुई, दोनों ले एक साथ खोल देना, टंकी भरी है खाली कितने में? ठीक है, गौर देना भाई, ये कह रहा है कि एक नल 16 मिनट में भर सकता है, ठीक है 16 मिनट में, दूसरा 8 में खाली कर सकता है भैया। टंकी 16 का माने 16 × 16 8 × 16 चल। इसने बोला जब टंकी पहले से आधी भरी हो, तो मतलब 16 लीटर की टंकी है, 8 लीटर पानी भरा हुआ है, तो खाली कितना है? 8 लीटर, ये 8 लीटर पानी भरा हुआ है इसमें और 8 लीटर खाली है। इसने बोला कि दोनों पाइप चले तो होगा क्या? जब दोनों पाइप चलेंगे ना तो 1 लीटर पानी जाएगा, 2 लीटर पानी बाहर आएगा, मतलब 1 लीटर पानी टंकी से बाहर आएगा, 1 लीटर पानी 1 मिनट में, तो भैया 8 लीटर पानी आप बोलोगे 8 मिनट में, यानी 8 मिनट बाद टंकी खाली हो जाएगी, 8 मिनट बाद टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है भाई, अच्छा जी, चलो जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को लगाएं, किसी टंकी, एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप है, पहला 8 घंटे दूसरा 10 में। भाई इस क्वेश्चन को करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 को, कुछ नहीं है, क्षमता निकालो, 4 घंटे दोनों को चला दो और ये बता दो कि कितना भाग भर जाएगा। ठीक है, आराम से कर लोगे इसको, आप करोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो मेरी तरफ से क्वेश्चन नंबर आप 8 लगाइए। यदि एक कुंड का 3/5 भाग 1 मिनट में भरता है, देखो 3/5 भाग 1 मिनट में भरता है, तो शेष कुंड कितने में भरेगा? यार 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होता है, 5 में से 3 मतलब ये रहा 1, 2, 3, 4, 5 ये कुंड है। इसने बोला है कि ये 3 पार्ट जो है, देखना जरा गौर से, 1, 2, 3 ये 3 पार्ट भरने में ना 60 सेकंड लगते हैं, तो मतलब 20 सेकंड ना लगते होंगे फिर यहाँ। और इसने बोला कि शेष कितने में भरेगा? यार इसमें भी 20, इसमें भी तो 40 में भर जाएगा ना फिर, तो 40 सेकंड में, यही बताना है इसमें, यही बताना है इसमें। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 9 को करिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए,
किसी टंकी के 1/4 भाग में इसमें 5 लीटर पानी आता है, उसमें 100 लीटर पानी हो तो ठीक है। भाई गौर देना, अभी देखो गौर से। इसने बोला है कि किसी टंकी का 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है, यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टंकी का कितना भाग भर पाएगा। देखो जब 1/4 भाग भरा होता है, मतलब क्या है कि जब 4 में से 1 भाग भरा होता है तो 135 लीटर पानी आता है, और जब 4 के 4 भरे हो तो आप बोलोगे भैया 4 × 135 आएगा, और इसका यदि कुल 180 भरा हो तो यार इतना आएगा। फिर इसको सॉल्व कर दीजिए, बस कैसे करेंगे इसको। चल 15 × 135, 15 × 12 ठीक है, 4 × 3 = 12 और 3 × 3 = 9 यानी 1/3, 1/3 इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है भाई, चलो जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए भाई, टाइम क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। 3/4 भाग भरा होने पर 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी खाली हो जाती है। देखो यार बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 3/4 भरा है और इसमें से 30 लीटर निकाल लो टंकी खाली, तो मतलब 3 निकल गया सारा पॉइंट, और 3 पॉइंट = 30 लीटर है ना, तो 4 पॉइंट = 40 लीटर, तो टंकी तो 40 लीटर की होगी फिर, वो टंकी 40 लीटर की होगी ना फिर, ये पूछ रहा है आपसे, बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को लगाइए भैया, दो पाइप अलग अलग काम करते हुए 2 और 3 घंटे भरते, जबकि तीसरा पाइप 6 घंटे में खाली कर सकते हैं, टंकी 1/6 भर दे, तीनों पाइप खोल दे, ठीक है। गौर देना भी क्वेश्चन पर क्या है, मैं दिखा देता हूँ आपको। दो पाइप अलग अलग टंकी को 2 और 3 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप 6 घंटे में खाली कर सकता है। देखो फिलिंग पहला, फिलिंग दूसरा और ये एम्प्टी। इसने बोला है कि 2, 3, 6 घंटे में खाली, कितना माने आप बोलोगे 6 मान लो, तो 2 × 6 = 3, 2 × 6 = 6, वो भी नेगेटिव का। इसने बोला जब टंकी 1/6 भरी हुई हो और तीनों पाइप खोल दिए जाएं तो पूरी भरने में कितना समय लगेगा। 1/6 भरी हुई है, मतलब क्या है कि 6 में से 1 भरी हुई है, भाई 6 में से 1 भरी हुई है। अच्छा जी, तो 6 में से 1 भरी हुई है तो आप बोलो भैया खाली कितनी है बताओ आप ही। आप बोलोगे भैया कि इसने बोला कि 1/6 भरी हुई है तो खाली कितनी है, 5/6, यानी 5 लीटर पानी भराना है बस आपको। भराना किससे है 5 लीटर पानी, ये इन पाइपों से। यार 5 लीटर ये भरेंगे, 1 लीटर खाली होगा मतलब 4 ही भरा जाएगा, 5 लीटर पानी 4 के हिसाब से, 1 घंटा तो सीधा हो गया और 1/4 घंटे, 1/4 को मैं मिनट में बदलूं तो 1 घंटा 15 मिनट आ जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट आ जाएगा इसका, आप देख सकते हो आराम से। आगे बात समझने भी, चलो जी क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 को लगाइए भैया। गले में दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, किसी टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी आधी खाली थी तो दोनों ही पाइप को एक साथ खोल दिया गया, टंकी कितने समय में भर जाएगी। कोई भी दिक्कत नहीं है, एलसीएम लेना और उस टंकी को हाफ कर देना बस, और दोनों की क्षमता से भाग लगा देना, ठीक है, आराम से कर लोगे अभी इसको भी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं, चलो ठीक है, हाँ ये 13 ठीक है, इसको लगा।
चलो भी देखो फटाफट गौर से। इसने बोला कि ये 50 में भर सकता है, वो 75 में खाली कर सकता है, ठीक है। 150, 3, 2। उसने बोला कि टंकी आधी भरी हुई है, आधी भरी हुई है टंकी, तो इसको बोला 75। और जब आधी टंकी भरी हुई है तो आधी, इसने बोला आधी भरनी है हमें, तो 75 भरनी है अभी, और एक के हिसाब से, क्योंकि देखो 3 में से दोगे 1 लीटर, तो 75 मिनट ही लग जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, हाँ जी पहले ये सुन लीजिए, आप वीडियो पसंद आ रही है अभी, ठीक है भाई, सेशन पसंद आ रहा हो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, ठीक है, लाइक किए बगैर मत जाना, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी हम कि हम आपको एक एक चीज़ बता पाएं, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 14 को लगाइए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है डियर, इसको जरूर लगाना भाई। चलो भी देखो, दो पाइप लगे हुए हैं, ठीक है। पहला पाइप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, पहला 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा दस घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चला दो, टंकी कितनी भरेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, देख लो, देखना जी गौर से। अच्छा इसको देखो ऐसे करते हैं, देखो 4 घंटे में ये तो भर देगा आधी, भाई जो 8 में भर रहा है, और 4 घंटे में ये कितना भर देगा, ये भर देगा कितना भाई, 40%, क्योंकि 10 घंटे में 10 लीटर, 4 घंटे में 4 लीटर, मतलब 4/10, 4/10 इसको 10 बना लो, इसको जोड़ दो, बस इतनी भर गई, 5, यानी 5 और 4, 9/10, ये इसका आंसर है। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बाकी आराम से ऐसे कर लो कि देखो भैया 8 में भर सकता है, 10 में भर सकता है, कितना लें दोनों का, आप बोलो भैया 40, 8 × 5 = 40 और 10 × 4 = 40 और 5 × 4 = 9, 9 लीटर 1 मिनट में, 1 घंटे में, उसने बोला कि 4 घंटे चलाओ, तो 9 × 36 भर जाएगा, कितने में से, 40 में से, फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 9/10 आ जाएगा, फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 9/10 आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, ठीक है, पाइप और टंकी के भाग पर आधारित क्वेश्चन, किताब को देखो जहाँ भी ऐसे क्वेश्चन मिले और क्वेश्चन को जल्दी से हल कर डालो, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।